गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज संतोष संतोष श्रीवास्तव और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ द हिंदू एडिटोरियल सेशन 11 एक्सरसाइज के रूप में। वैसे मैं आपके सामने नहीं उपस्थित हूँ, बैकग्राउंड में उपस्थित हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। और ये पहला सेगमेंट आपका, जैसा कि आप देख रहे होंगे इस समय, सेंटेंस अरेंजमेंट का, इसे पहले ले आने का मकसद मेरा है ताकि आप इन पर ज़्यादा मेहनत करें बच्चों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका। तो देखिए पहला क्वेश्चन और बताएं मुझे कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। समय लें आप बच्चों, बोलें। पहला अगर ऑप्शन आप देख लेंगे, पहला पॉइंट, तो वो आपके लिए कारगर होगा, मीन्स बेहतर होगा। कुछ पॉइंट्स एलिमिनेट करते जाएं कि हाँ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। आ रहा है कुछ समय बच्चों? देखें, ये द मैमथ एक्सरसाइज तो पहले हो ही गया आपका। ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में द मैमथ एक्सरसाइज इज आएगा, लेकिन और देखते हैं। द मैमथ एक्सरसाइज के बाद गिवन नहीं आएगा, गिवन द नंबर्स ऑफ पीपल नहीं आएगा। द मैमथ एक्सरसाइज के साथ हु कभी नहीं आएगा, यानी क्यू और आर नहीं आएगा। तो क्यू से एक ऑप्शन है ना, हट गया, आर से तो कोई है नहीं आपका। और फिर है द मैमथ एक्सरसाइज डब्ड द वंदे भारत मिशन, जिसे वंदे भारत मिशन करार दिया गया बाई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, किसके द्वारा? विदेश मामलों के मंत्रालय के द्वारा। तो क्या इस मैमथ एक्सरसाइज को ही ना वंदे भारत के नाम से पुकारा गया, कहा गया? तो पहले ऑप्शन में क्या आना चाहिए बच्चों आपको? एस। अगर आप इस ले लेते हैं बच्चों जल्दीबाजी में, तो आगे आप फंस जाएंगे, जो अभी हम आपको दिखाएंगे। वैसे भी पी से केवल एक है, चलिए वही पहले देख लेते हैं, ठीक है? पी से, तो द मैमथ एक्सरसाइज इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर वीक्स गिवन द नंबर्स ऑफ पीपल, बिल्कुल हो सकता है, गिवन द नंबर्स ऑफ पीपल डब्ड द वंदे भारत मिशन। क्या वो पीपल लोगों को डब्ड द वंदे भारत मिशन कहा गया, वंदे भारत मिशन के नाम से पुकारा गया? नहीं। इसका मतलब कि पी नहीं आएगा बच्चों, अर्थात ये ऑप्शन खारिज कर देता है। ऑप्शन यही बेस्ट है, एस, क्योंकि उस मैमथ एक्सरसाइज को ही वंदे भारत का नाम दिया गया था विदेश मंत्रालय के द्वारा। दिस इज एस। अगर एस आया तो फिर एस कितने हैं? दो हैं, एस पी है और एस आर है, ठीक है? चलिए देखते हैं। द मैमथ एक्सरसाइज डब्ड द वंदे भारत मिशन बाई अफेयर्स मिनिस्ट्री, और पी देखते हैं, इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर वीक्स, होगा बच्चों ना? सही है। अब आपकी द मैमथ एक्सरसाइज की वर्ब भी आ गई, और उसके पहले आपने उसके बारे में जो बताया गया था, पोस्ट मॉडिफायर पूरा दिया गया था, वो भी ले लिया आपने। तो आपका हो गया एस के बाद पी, यानी आपका ऑप्शन कौन सा है बच्चों? यही है। एस के बाद आर, देखें कैसे नहीं आएगा। द मैमथ एक्सरसाइज डब्ड द वंदे भारत मिशन बाई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हु हैव, अब इस मिनिस्ट्री के लिए तो हु हैव नहीं आएगा ना, यानी निसंदेह अनडाउटेडली आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, बोले इसमें देखें सेकेंड ऑप्शन है। आज आपका टाइम बच्चों थोड़ा सा कम लगेगा, क्योंकि कल आपका रिवीजन है, तो मैंने कुछ सेगमेंट्स आज नहीं इसमें डाले हैं, ताकि अच्छे से आप कल प्रिपरेशन कर लें अपने। देख लें बच्चों, बोलें कौन सा इसमें बेस्ट ऑप्शन होगा। यहाँ मैंने लास्ट में फिफ्थ डाला है, तो ये तो कतई नहीं जोड़ने की कोशिश करेगा, आपको पी क्यू आर एस को ही जोड़ना है। हाँ ये है कि ये लास्ट ऑप्शन ये रहेगा आपका, इससे भी क्लू ले सकते हैं आप।
अगर आप कॉमन सेंस ले बच्चों, तो आपको यही पता चल जाएगा कि जब भी आएगा एस लास्ट में आएगा। सोच के देखें क्यों, क्योंकि रिटर्न के बाद द इकोनॉमिक इंपैक्ट नहीं आएगा, लेबरर्स के बाद आपका इकोनॉमिक इंपैक्ट नहीं आएगा, और दोज अपीलिंग द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल लॉकडाउन नहीं आएगा, अगर आप इंग्लिश समझते हो तो। तो बच्चों अगर ड्यू टू के बाद है ना, किसके कारण उन्होंने जॉब अपनी खो दी, ड्यू टू द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल लॉकडाउन, तो अगर एस लास्ट में आएगा तो देखें कितने में लास्ट में एस है। हो गया आंसर बच्चों आपका ये ऑप्शन PRQS। अब अगर आपको संदेह है बच्चों तो देख लें आप, इंक्रीजिंगली दोज वो लोग अपीलिंग, जो क्या कर रहे थे, अपील कर रहे थे किस चीज के लिए बच्चों, किस चीज के लिए अपील कर रहे थे वो, ये है ना आर पी के बाद आर, अपीलिंग टू बी अलाउड, कि उन्हें अनुमति दे दी जाए टू रिटर्न, लौटने की, फिर क्यों है, वो लोग जो अपील कर रहे थे लौटने की, उन लोगों में हैव इंक्लूडेड, शामिल हैं, कौन शामिल है बच्चों, प्रोफेशनल्स और लेबरर्स। ये भी क्लियर था बच्चों कि जब भी आएगा क्यू के बाद क्या आएगा, एस आएगा, क्योंकि हु किसके लिए लग सकता था, इन्हीं के लिए, प्रोफेशनल लेबरर्स के लिए। तो अगर क्यू के बाद एस आएगा तो क्यू के बाद एस तो यहां है, लेकिन यहां लास्ट में चूंकि ड्यू टू के बाद द इकोनॉमिक इंपैक्ट है, इसलिए ये ऑप्शन क्या था आपका, बेस्ट था। ये क्वेश्चन फिर से देखिएगा बच्चों आप अच्छे से समय लेकर के, ताकि ये और बेहतर तरीके से आप समझ सकें। चलिए ये सेंटेंस अरेंजमेंट का लास्ट क्वेश्चन आपका है, बोले ये बच्चों मेरा बस ये टारगेट है कि धीरे धीरे आप प्रैक्टिस से ये चीजें कर लें, बाकी मेरा कोई इसमें उद्देश्य नहीं बच्चों, बस यही है कि आप जितने बच्चे करेंगे आपको आएगा ही, धीरे धीरे आएगा, कुछ भी आपका जा नहीं रहा है बच्चों, बस आपको अपना समय देना है, समझने की कोशिश करना है। आ रहा है समझ बच्चों, ये तो क्लियर है, यही रहेगा आपका। डिस्पाइट दीज, इनके अलावा यानी इन चीजों के अलावा, द रिटर्नीज विल नो डाउट, यानी जो लौटने वाले हैं, विल नो डाउट के बाद फॉर इट्स एफर्ट्स आएगा क्या, नहीं, विल नो डाउट ऑर्गेनाइज्ड फूड आएगा क्या, नहीं, विल नो डाउट बी ग्रेटफुल, निसंदेह वो एहसानमंद होंगे, बी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट, किसके लिए सरकार के प्रति। और ये भी क्लियर है कि सरकार के प्रति अगर वो ग्रेटफुल रहेंगे तो इसके बाद कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फॉर इट्स एफर्ट्स, यानी आर के बाद पी आएगा। अब यहीं से देख लें बच्चों, आर के बाद पी किस में आ रहा है, एक में, बस एक में आ रहा है बच्चों, यहाँ तो है नहीं, ये है नहीं, और इसमें आर के बाद एस है। बहुत आगे बढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये क्लियर है कि द रिटर्नीज विल नो डाउट बी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट, उस सरकार के प्रति निश्चित ही एहसानमंद होंगे, किस किन चीज़ों के लिए, फॉर इट्स एफर्ट्स, इट्स किसके लिए बच्चों, गवर्नमेंट के लिए। इसलिए आप बहुत दौड़ भाग न करें और सिंपल सा ऑप्शन चूज कर लें कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आर पी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगले सेगमेंट में बढ़ते हैं, कॉमन एरर्स, सेम पैटर्न है बच्चों, आपको सारे में गलती हो सकती है या एक में या दो में, किसी में भी हो सकती है, बताएं। बोले बच्चों, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स हैज बीन मेड, सही है, टू ब्रिंग आवर नेशनल्स अप, सही है, बट द सर्कमस्टांसेस आर नॉट इन फेवर, सही है। आपको बताना है बच्चों क्या ये तीनों सही हैं या इनमें कहीं कोई एरर दिख रहा। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत किया होगा ग्रामर में आपने, तो जैसे आपने अ लॉट ऑफ के बाद एफर्ट्स देखा, प्लूरल काउंटेबल, तुरंत समझ गए होंगे यहाँ हैज नहीं होगा बच्चों, हैव बीन होगा, होगा। टू ब्रिंग आवर नेशनल्स अप, ब्रिंग अप मीन्स क्या होता है बच्चों, ब्रिंग अप मीन्स पालन पोषण करना होता है, क्या नेशनल्स का यानी हमारे भारतीयों का पालन पोषण करने का प्रयास किया गया है क्या, नहीं, उन्हें वापस ले आने का प्रयास किया गया है, तो वापस ले आना ब्रिंग अप नहीं होता है बच्चों, ब्रिंग बैक होता है, क्या होता है, ब्रिंग बैक, तो अप के स्थान पे क्या हो जाएगा, ब्रिंग बैक या ब्रिंग बैक आवर नेशनल्स, ऐसे भी हो सकता है।
क्या तीसरे में कोई गलती है बच्चों, देख लें। तो बहुत सारा प्रयास किया गया है टू ब्रिंग आवर नेशनल्स बैक, हमारे भारतीयों को वापस ले आने के लिए, बट लेकिन द सर्कमस्टांसेस, ये हमेशा प्लूरल में होता है, सही है, और प्लूरल है तो सही है, आर नॉट इन फेवर, यानी हमारे पक्ष में नहीं, सही है, यानी आपके ए और बी पोर्शन में हैज का हैव हो जाएगा और अप के स्थान पर बैक हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोले इट इज नेसेसरी, जरूरी है दैट की क्वारंटाइन फैसिलिटीज, की जो क्वारंटाइन की सुविधाएं हैं, आर आइडेंटिफाइड आर मेक शिफ्ट सेंटर्स बिल्ट टू डील फ्रॉम द लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल। क्या गलत है बच्चों, बताएं। कोई एरर दिख रही है बच्चों? आ रहा है समय बच्चों, कहीं पे आपको एरर दिख रहे हैं? इसमें एक ऐसी एरर जो हमेशा आपके एग्जाम्स में काम आएगी। बोले बच्चों, आपके कमेंट्स नहीं आते बच्चों, आप कमेंट बताते नहीं कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। बच्चों यहां केवल एक गलती दिख रही है आपको, देखिए, इट इज नेसेसरी, जरूरी है दैट की क्वारंटाइन फैसिलिटीज जो है, सही यहां पे है, फैसिलिटीज आर आइडेंटिफाइड, सही है वो, मीन्स बेहतर तरीके की हो, आर या मेक शिफ्ट सेंटर्स बिल्ट, या फिर जो मेक शिफ्ट सेंटर्स हैं वो बिल्ट हो, बेहतर बने हो वो, टू डील फ्रॉम, यहां बच्चों है डील फ्रॉम, क्या डील फ्रॉम होगा बच्चों? डील फ्रॉम होता है जब आप लोगों से निपटने की बात करते हैं, तो डील फ्रॉम नहीं होता है बच्चों, डील विद होता है। क्या होता है? डील विद। एक और गलती देख सकते हैं, अगर आप समझ सकते हो तो बताएं कहां पर गलती है। बी पोर्शन बच्चों गलती है वो, बोले बच्चों समझ आ रहा आपको? यहां जो आप लिया ना आर आइडेंटिफाइड, फिर यहां है ओ आर, आर मेक शिफ्ट सेंटर्स, यानी या तो क्वारंटाइन फैसिलिटीज आइडेंटिफाइड हो या मेक शिफ्ट सेंटर्स बिल्ट हो, नहीं बच्चों यहां आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, एंड मेक शिफ्ट सेंटर्स बिल्ट, यानी बी में एरर है और सी में एरर है, यानी कौन सा पार्ट बच्चों? ये पार्ट। चलिए तीसरा प्रश्न आपका, बोले बच्चों तीसरे में क्या होगा? इन पर्टिकुलर द गवर्नमेंट नीड टू प्रिपेयर बोथ अ पॉसिबल सेकेंड वेव ऑफ द नॉवेल कोरोना वायरस एज वेल एज अ रैपिड इंक्रीज इन इंडियन एक्सपैट्रिएट्स। देखें बच्चों, बोले अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना तो आपको आना चाहिए। आ रहा समय बच्चों, क्या पहले पोर्शन में कोई गलती है? इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से, द गवर्नमेंट नीड, गवर्नमेंट यहां सिंगुलर है या प्लूरल? सामूहिक प्रयास है बच्चों, तो यहां सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा तो नीड कैसे होगा? नीड्स हो जाएगा। टू प्रिपेयर, तैयार रहने के लिए, बोथ अ पॉसिबल सेकेंड वेव ऑफ द नॉवेल कोरोना वायरस, सही है, एज वेल एज, मैंने बताया था बच्चों बोथ का कंबिनेशन किसके साथ नहीं होता है? एज वेल एज के साथ नहीं होता है बच्चों, किसके साथ होता है? एज वेल एज का कंबिनेशन किसके साथ बच्चों? एंड के साथ, किसके साथ?
एंड के साथ जाएगा. इन पर्टिकुलर द गवर्नमेंट नीड्स टू प्रिपेयर बोथ अ पॉसिबल सेकेंड वेव ऑफ द नावल कोरोना वायरस एंड यहाँ होगा एंड और रैपिड इंक्रीज इन इंडियन एक्सपैट्रिएट्स. ठीक है, फिर से सारे क्वेश्चन देखेगा और जहाँ भी दिक्कतें होंगी बोलिएगा बच्चों. ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, बता दें, इंपॉर्टेंट हैं इसमें आपके. They are not able to these circumstances. क्या भरेंगे बच्चों? Deal in, deal at, deal with या deal from? कर लिया होगा आपने मन में, कमेंट्स करें बच्चों क्या होगा, क्या भरना चाहेंगे. Deal in कहां लेते हैं बच्चों? Deal in जहां आप किसी व्यवसाय वगैरह की, व्यापार की बात करते हैं वहां deal in होता है. ऐसे ही deals in governments. डील एट तो होता नहीं है, डील फ्राम होता नहीं है, और डील विद कहाँ होता है? जहाँ परिस्थितियों से, लोगों से निपटने की बात हो. तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? डील विद दीज सर्कमस्टांसेस हो जाएगा. ठीक है, डील विद यूज करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोले ये, ऑल दोज, वो सारे लोग जो लोग रिटर्निंग वापस आ रहे थे, आने वाले हैं, विल आल्सो, क्या होगा बच्चों? यानी उन्हें कॉस्ट क्या करनी होगी? बियर विद करनी होगी, बियर आउट करनी होगी, बियर विद, दो बार अच्छा हो गया, सॉरी, बियर करना होगा. क्या करना होगा बच्चों? बियर विद, बियर आउट और बियर में से आपको तय करना है. बोले बच्चों, अगर आप इनको याद किए हो तो आपको याद होगा जो फ्रेजल वर्ड्स मैं आपको तैयार करा रहा हूं. बियर विद क्या होता है? टू बी पेशेंट, धैर्य रखना. तो क्या वो जो उनको रहन सहन के खर्चे देने हैं उसके लिए धैर्य रखना है क्या? नहीं, बियर विद वही आपका है. बियर आउट क्या है? प्रमाणित करना. तो क्या वो कॉस्ट को प्रमाणित करेंगे क्या? नहीं, बियर द कॉस्ट, बियर मीन्स वहन करना. तो बियर द कॉस्ट मीन्स खर्चे वगैरह वहन करना, यानी क्या हो जाएगा आपका? बियर द कॉस्ट फॉर ट्रेवल अरेंजमेंट्स एंड अकोमोडेशन. थर्ड क्वेश्चन बच्चों, द लास्ट फ्लाइट्स अलाउड टू डैश विद इनकमिंग पैसेंजर्स वर ऑन मार्च 22. क्या होगा? द लास्ट फ्लाइट्स अलाउड टू टेक ऑफ होगा, कम डाउन होगा, फ्लाई होगा या लैंड होगा. टेक ऑफ वहां यूज करते हैं जब जहाज उड़ान भरती है, कम डाउन का यहाँ कोई मतलब नहीं है. फ्लाई भी उड़ने के सेंस में होता है और लैंड उतरने के सेंस में. तो क्या लेंगे बच्चों यहाँ पे? आप में कुछ बच्चे के मन में आएगा, सर टेका भी तो यहाँ हो सकता है. नहीं हो सकता बच्चों, इसकी वजह से ये इनकमिंग पैसेंजर्स, आने वाले पैसेंजर्स. तो अगर आने वाले पैसेंजर्स हैं तो जहाज उड़ेगी नहीं बच्चों, जहाज उतरेगी, यही ना, लैंड करेगी. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा. ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था बच्चों. चलिए ये देख लें आप, सीधे जो सिनोनिम्स हैं, आपको चार चार ऑप्शंस हैं वो बताने हैं आपको. बोले बच्चों, पहला है आपका एक्सपैट्रिएट. याद है आपको एक्सपैट्रिएट? याद है आपको, जो प्रवासी होते हैं वो एक्सपैट्रिएट होते हैं. यहां कौन सा हो जाएगा बच्चों एक्सपैट्रिएट का? बोले बच्चों, रिफ्यूजी होगा, डेप्रिशिएट होगा, रिपैट्रिएट होगा या ड्रा आउट होगा. क्या हो जाएगा? रिफ्यूजी शरणार्थी को कहते हैं, नहीं होगा यहाँ. डेप्रिशिएट निंदा करना, विरोध करना, नहीं. रिपैट्रिएट जो आपके स्वदेश में आगमन करने वाले हैं, करना उसके लिए होता है. क्या हो जाएगा? ड्रा आउट मीन्स बाहर भेज देना, बाहर निकाल देना, बाहर चले जाना. ड्रा आउट हो जाएगा एक्सपैट्रिएट का. स्ट्रॉन्डेड का क्या हो जाएगा बच्चों? स्ट्रॉन्डेड बोले बच्चों, देखें आप स्ट्रॉन्डेड का याद होगा, वर्ड आपको याद होगा तो आपको याद आ जाएगा. बोले बच्चों, स्ट्रॉन्डेड का आपको याद है, स्ट्रॉन्डेड में फंसे हुए, असहाय. इम्बेलिश्ड नहीं होता है बच्चों. इम्बेलिश्ड क्या होता है? सजा हुआ, जो चीज सजाया गया हो
वो इम्बेलिश्ड होता है। जैसे आप कुछ लिखते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स से अगर आप सजा रहे हैं तो आप उसे इम्बेलिश कर रहे हैं। इश्क्यूड नहीं होगा। इश्क्यूड क्या होता है बच्चों? विषम, जो चीज़ तिरछे कर दिया गया हो, मीन्स तिरछी निगाह से देखा जा रहा हो, वो इश्क्यूड होता है, विषम। डिस्टॉर्टेड भी नहीं होगा। डिस्टॉर्टेड मीन्स विकृत होता है आपका, मीन्स बिगड़ा हुआ। मैरूंड हो जाएगा बच्चों, मैरूंड मीन्स असहाय। तो स्ट्रांडेड मीन्स भी क्या होता है? असहाय। नेक्स्ट वर्ड भी आपको याद होगा, मैमथ, जो एक इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, मैमथ। मैमथ मीन्स याद है आपको, मैमथ मीन्स विशाल, बड़ा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंटरमेजो नहीं होगा। इंटरमेजो क्या होता है? जैसे कोई नाटक चल रहा है बच्चों, तो नाटक के बीच में उसे रोक करके थोड़ा सा विषय परिवर्तन के लिए कुछ अलग से जो चीजें प्रस्तुत की जाती हैं वो इंटरमेजो होती हैं आपकी। हाइटस क्या होता है? हाइटस मीन्स एक खाली जगह, जो एक गैप होता है, मीन्स जो अभाव होता है, कमी होती है, वो हाइटस होता है। अनफ्लिंचिंग भी नहीं होगा। अनफ्लिंचिंग क्या होता है? जो डिगे न, हिचके न, कभी अडिग रहे, वो अनफ्लिंचिंग होता है। स्टुपेंडस हो जाएगा, शानदार, विशाल, बड़ा, ये मैमथ हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका एम्बेसे, आना चाहिए बच्चों आपको एम्बेसे, बिल्कुल आसान है। एम्बेसे का क्या हो जाएगा? कमीशन हो जाएगा। प्रिसिंग्स क्या होता है? आपके इर्द गिर्द, आपका जो अहाता होता है, आपका जो वातावरण होता है, वो प्रिसिंक्ट होता है। लीवे क्या होता है? कोई स्वतंत्रता, कोई फ्रीडम, कोई छूट आपको जो दी जाती है वो लीवे होती है। कमीशन समझते होंगे, आयोग होता है, तो एक प्रकार का एम्बेसी क्या है? आयोग है। एनवाय क्या होता है? वो प्रतिनिधि, वो दूत होता है, जो एनवाय यानी प्रतिनिधि का काम करता है बच्चों, वो आपका एनवाय होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपके पास कॉम्पेल। कॉम्पेल याद होगा आपको, मजबूर करना, बाध्य करना। क्या हो जाएगा बच्चों बताएं? कॉम्पेल का क्या नेसेसिटेट होगा? किसी चीज को मतलब जरूरत बना देना, बिल्कुल हो जाएगा बच्चों, कॉम्पेल का नेसेसिटेट हो जाएगा। प्रोक्लेम क्या होता है? घोषित करना, घोषणा करना। डिसवेड क्या होता है? किसी कार्य को न करने के लिए क्या कर लेना? तैयार कर लेना। हाउंड क्या होता है? जो शिकारी कुत्ते होते हैं उन्हें हाउंड कहा जाता है। वैसे हाउंड मीन्स एक कोई घृणित इंसान जो होता है वो भी हाउंड ही कहलाता है, ठीक है। तो कॉम्पेल का हो जाएगा नेसेसिटेट, जरूरी बना देना, मीन्स मजबूर कर देना। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आपका डिपोर्टेशन। बोले बच्चों क्या होगा डिपोर्टेशन का? याद होगा अगर आपको डिपोर्टेशन का, तो आपको आना चाहिए। डिपोर्टेशन का एडमिशन होगा, मीन्स स्वीकृति कह सकते हैं। डेलिरियम होगा, डेलिरियम मीन्स उन्माद कह सकते हैं, बेहोशी, मूर्छा जो आती है वो डेलिरियम होता है। बैनिशमेंट होगा, बिल्कुल हो जाएगा। डिपोर्टेशन मीन्स भी निर्वासन होता है और बैनिशमेंट मीन्स भी निर्वासन होता है। सैंक्टिमनी क्या होता है बच्चों? सैंक्टिमोनियस जो व्यक्ति होता है वो पाखंडी होता है। तो सैंक्टिमनी क्या हो जाएगा? पाखंड, मीन्स हिपोक्रेसी जिसको आप कहते हैं, वो आपका सैंक्टिमनी हो जाएगा। चलिए बच्चों, डिपोर्टेशन का हो गया आपका बैनिशमेंट। स्ट्रिंजेंट का सनोनिम क्या हो जाएगा बच्चों? स्ट्रिंजेंट। बोले बच्चों, स्ट्रिंजेंट का सनोनिम रिगोरस होगा, एट्रोसियस होगा, लीनियंट होगा या फ्लेक्सिबल होगा। स्ट्रिंजेंट मीन्स होता है कठोर, तो रिगोरस भी आपको याद होगा बच्चों, रिगोरस मीन्स भी क्या होता है? कठोर। लीनियंट नहीं होगा। लीनियंट और फ्लेक्सिबल जो होते हैं वो अलग वर्ड। लीनियंट मीन्स उदार, जो व्यक्ति बड़े दिल वाला होता है वो लीनियंट होता है। फ्लेक्सिबल भी समझते होंगे, एक प्रकार जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, यानी कहीं कहीं उदारता हो, बड़प्पन हो दिल का, वो फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी लचीलेपन को कहते हैं, तो फ्लेक्सिबल जो लचीला हो। एट्रोसियस क्या होता है? एट्रोसियस मीन्स घृणा से भरा हुआ, जो व्यक्ति किसी पर अत्याचार करता है, घृणा प्रदर्शित करता है, वो एट्रोसियस होता है, मीन्स अत्याचार भरा कह सकते हैं आप। तो स्ट्रिंजेंट का हो जाएगा रिगोरस। और ये दो तीन वर्ड्स और हैं बच्चों, मैंडेटरी, बिल्कुल आसान है, आना चाहिए आपको। पहला ही वर्ड देख रहे हैं, इंपेरेटिव सही है। मैंडेटरी का सिनोनिम इंपेरेटिव, आवश्यक। ऑप्शनल तो होगा नहीं, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा वैकल्पिक।
डिसोलेशन क्या होता है, डिसोलेट से बना है, मीन्स अलग कर देना, एकांत की जो अवस्था होती वो डिसोलेशन होता है। सुप्रीमैसी सर्वोच्च अवस्था को सर्वोच्चता को कहते हैं, ठीक है। तो मैंडेटरी का सिनोनिम हो जाएगा इंपेरेटिव। नेक्स्ट वर्ड आपका है डिप्लोमैट, कर लेंगे। डिप्लोमैट का क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रेटर तो नहीं होगा, देशद्रोही होता है, पैट्रिट भी नहीं होगा, ये कौन होता है, जो आदमी देशभक्त होता है, अनऑथराइज भी नहीं होगा, मीन जो अनधिकृत होता है, तो कौन सा हो जाएगा, प्लेनिपोटेंशियरी, जो व्यक्ति राजदूत के रूप में कार्य करता है, उसकी शक्तियों का पूरा पालन करता है, वो प्लेनिपोटेंशियरी अर्थात डिप्लोमैट होता है। चलिए ये वर्ड है आपका रिपैट्रिएशन, अगर आपको याद हो रिपैट्रिएशन मीन्स, याद है बच्चों, रिपैट्रिएशन स्वदेश आगमन को कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, एबॉलिशन, किसी चीज का विनाश, समूल नष्ट कर देने को एबॉलिशन कहते हैं, या ऑपरेशन होगा कोई कार्यवाही कोई अभियान, या इनटेम्परेंस होगा मीन्स एक तरह से कह सकते हैं आप असंयम कह सकते हैं, या एक्स्ट्राडाइट होगा, यहां पे कौन सा होगा बच्चों, इसमें से एक भी वर्ड बच्चों इसका नहीं हो सकता है, क्योंकि रिपैट्रिएशन मीन्स होता है स्वदेश आगमन, जबकि एक्स्ट्राडाइट एक तरह से अगर आप ले सकते हैं एक्स्ट्राडाइट को इस सेंस में ले सकते हैं कि ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी देश में आपके देश का कोई अपराधी है और आपके और उस देश के बीच में एक प्रकार की प्रत्यर्पण संधि है, तो वहां के लोग जो हैं, मतलब वो देश जो है, वो उस क्रिमिनल को क्या कर सकता है, आपके देश को वापस दे सकता है। उस सेंस में अगर आप चाहें तो रिपैट्रिएशन को एक्स्ट्राडाइट के सेंस में यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। लास्ट वर्ड है आपका मैन्यूवर, मीन्स कौशल, कोई चाल आपकी जो होती है वो मैन्यूवर होता है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें आपका, क्रुक्ड, कंस्पायर, डिसओरियंट या कोलैटरल। कोलैटरल समझते होंगे बच्चों, ऋणाधार को कहते हैं, कोलैट से बना है आपका। डिसओरियंट क्या होता है, किसी को गुमराह करना, ठीक है। कंस्पायर क्या होता है, साजिश करना। क्रुक्ड क्या होता है आपका, जो आदमी कुटिल हो चालाक हो। तो मैन्यूवर का एक तरह से आप क्या ले सकते हैं, कंस्पायर मीन्स चाल चलना साजिश करना, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये छोटा सेगमेंट था बच्चों, मैंने जल्दबाजी की थोड़ी सी, लेकिन आप पूरा देख लीजिएगा फिर से, और कल आपका शनिवार को 6 बजे से पूरा रिवीजन रहेगा बच्चों, ठीक है। टोटल रिवीजन आपका जो अब तक आपने एक्सरसाइज में पढ़ा होगा उन्हीं में से मैं बना करके कहीं से कुछ भी आपको दूंगा, ताकि आप देख लें कि कितना आप अपने से कर सकते हैं, वो टेस्ट की तरह आपके रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर कल शाम को 6 बजे, और अभी शाम को, आज शाम को 7 बजे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ। थैंक यू।